वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिग्स। आज हम फिर से करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई एफ इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी, वेयर एफ इज अ न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल। वॉट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट? तो एवरेज इम्पल्स निकालना है, ठीक है। एवरेज इम्पल्स निकालने से पहले हमें क्या क्या निकालना होगा? फोर्स निकालना होगा, एवरेज फोर्स एंड एवरेज टाइम, ठीक है। तो पहले दिया हुआ क्या है? फोर्स जो है वो क्या हो जाता है? ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून इट्स लीव द बैरल, ठीक है। तो फोर्स जीरो कब होगा? तो एफ इक्वल टू जीरो कब होगा वो हम टाइम निकाल लें, माइनस टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई टू इंटू टेन टू पावर फाइव। तो यहाँ से टी कितना निकल के आ जाएगा? 3 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 सेकेंड्स, ठीक है। इतने टाइम बाद जो बुलेट है वो बैरल से निकल जाएगी और फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम है बैरल के निकलने, जैसे कि ये गन है, ठीक है। तो बुलेट यहाँ से आया तो यहाँ से उसको फोर्स लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो है टी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। और यहाँ पे आके फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। और यहाँ पे फोर्स था एफ, ठीक है। और यह एफ टी इक्वल टू जीरो पे था, तो टी इक्वल टू जीरो पे फोर्स कितना होगा वो हम पहले निकाल लें, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू जीरो पर फोर्स एफ इक्वल टू कितना होगा? 600 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी है। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फोर्स हमारा कितना निकल के आएगा? 600, ठीक है। इतना फोर्स 600 न्यूटन, इतना फोर्स टी इक्वल टू जीरो पे था। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स में। तो 600 एट टी इक्वल टू जीरो, और जब बैरल को छोड़ रहा है तब कितना है फोर्स? जीरो है। और उसका एवरेज लेना है तो डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, तो 300 न्यूटन आपका एवरेज फोर्स आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें निकालना क्या है? एवरेज इम्पल्स, ठीक है। एवरेज इम्पल्स में क्या होगा? एवरेज इम्पल्स में क्या होगा? हमारा एवरेज फोर्स इंटू डी टी। एवरेज फोर्स कितना है? 300 न्यूटन। और टाइम कितना हमने निकाला है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 0.9 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टेकिंग 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा? वेलोसिटी होगा 3 मीटर पर सेकेंड। एंड 200 केजी एज द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड मास, मास है 200 केजी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द न्यू यूनिट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी विल बी। तो हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है और एनर्जी ई निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है? फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। तो हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, ठीक है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, ए इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। एफ हमारे पास 10 है और एम है 200, तो 1/20 आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या होता है? डी बी बाई डी टी होता है। और वेलोसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है?
पहले तो एक्सेलरेशन 1/20 इक्वल टू वेलोसिटी दिया हुआ है 3 और टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा कितना, 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारे पास टाइम निकल के आ गया, तो ए या सी में से कोई एक होगा। नाउ अब क्या पूछा है, एनर्जी पूछा हुआ है, ठीक है, एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क, जो वर्क डन हुआ है वो निकाल लें, है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम हमें पता चल गया है, तो हम और वेलोसिटी हमें पता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगी। वी इक्वल टू क्या होता है, डी ओवर टी होता है। तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इन टू टी, वेलोसिटी हमारे पास है 3 और टाइम है 60, तो 180 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया डी। नाउ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारे पास कितना है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 180, तो 1800 जूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी। तो टाइम हो गया 60 और एनर्जी हो गया 1800, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वन बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर 10 आवर, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज, तो इसके लिए हम पहले क्या कर दें, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही होता है। तो सबसे पहले किधर मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, और फिर नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो जाएगा, तो ये कैसा आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। सपोज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो नाउ ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो हमें ए सी स्क्वायर निकालना है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 50, सो ए सी इक्वल टू 5√2, ठीक है। ये ए सी निकल के आ गया, ये ए सी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड टी इक्वल टू 10 आवर्स दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt होता है, वेलोसिटी हमें पता है 5√2/10, दिस इज इन आवर्स, ठीक है। और इससे पहले भी ये सारा किस में ही था, किलोमीटर पर आवर में ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, ओके, तो दिस इज 1√2, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ओके। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी नॉर्थ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट वाई इन मीटर्स विद टाइम्स टी एज वाई इक्वल टू दिया हुआ है -2/3t² + 16t + 2 विल कम्स टू रेस्ट आफ्टर, ये आफ्टर मतलब रेस्ट पे आ रहा है कितने टाइम बाद, टाइम पूछा हुआ है इसने। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, dy/dt कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे, ठीक है। तो वहां से जो टाइम आएगा वही टाइम होगा, ठीक है। मतलब ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट y क्या है, एक डिस्टेंस है, और वो बोल रहा है रेस्ट पे कब आ रहा है, मतलब इसको चलना पड़ेगा, रेस्ट मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो कब हो रही है, ठीक है। तो dy/dt करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी देगा ना, और ये वेलोसिटी वो बोल रहा है कब जीरो हो रहा है, तो दिस वेलोसिटी इक्वल टू जीरो रखेंगे तब हमारे पास जो टाइम आएगा वो टाइम ये पूछ रहा है। तो dy/dt करते हैं पहले, dy/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी -4/3t
प्लस 16, ओके टी विल बी 1, प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिस प्लस 2 इज 0, तो दिस विल बी 0, क्योंकि रेस्ट पे लाना है, ठीक है, तो 4 बाई 3 टी इक्वल टू 16, देन टी इक्वल टू 12 सेकेंड्स, ठीक है, तो 12 सेकेंड्स ऑप्शन सी इज करेक्ट है, तो समझ में आया ना, बोला है अ बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट वाई, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है, और बोला है कि विल बी कम टू रेस्ट आफ्टर, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी रेस्ट, तो रेस्ट मतलब कि वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी इज वेलोसिटी, तो वहां पे अगर उसको जीरो रख देंगे तो जो टाइम निकल के आएगा वही टाइम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब कि एस पूछा है, दिस आफ्टर टी, टी दिया हुआ इसने, ए ऑप्शन में टी दिया हुआ इसने, कितना 10 सेकेंड में इसकी मैक्सिमम हाइट इतनी हो रही है, लेट्स चेक, तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन ये ऊपर पहुंचा, ऊपर फेंका गया है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस का जी होगा, नाउ पुट दीज वैल्यूज, यू हमारे पास दिया हुआ है 98, टी हमारे पास 10 सेकेंड्स है, माइनस हाफ 10, ठीक है, इंटू 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 9.8, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो दिस विल बी 4.9 होता है, ठीक है, तो दिस इज 980 माइनस 490 इक्वल टू 490 मीटर, तो 10 सेकेंड्स बाद इतना कितना हाइट होना चाहिए 490, यहाँ पे कितने हुए 980, तो पहला गलत हो गया, नाउ बी ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है, इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ 490 इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में तो 490 नहीं कर रहा है, कितने सेकेंड्स में कर रहा था यहाँ पे 10 सेकेंड्स में कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, इट रीच्ड ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में ये ग्राउंड पहुंच जाएगा, तो ये चेक कर लेते हैं, एट मैक्सिमम हाइट वी इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि मैक्सिमम हाइट हम ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट पे वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, यू हमारे पास था 98, ठीक है, तो लगा देते हैं वी इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, माइनस का जी आ जाएगा, माइनस का जी टी लिख देते हैं सीधे सीधे, तो वी इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू 98 माइनस 9.8, टाइम ही पूछा गया हमसे टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 अपॉन 9.8, दिस विल बी 10 सेकेंड, ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो गया 10 सेकेंड्स आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 सेकेंड्स में तो ये क्या कर पा रहा है, ऊपर पहुंच पा रहा है, ठीक है, ऊपर पहुंच पा रहा है 10 सेकेंड में, और यहाँ पे बोल रहा है वो 10 सेकेंड्स में क्या होगी, ग्राउंड हो जाएगी, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, डी क्या बोल रहा है, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 49 मीटर पर सेकेंड्स आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो आफ्टर 5 टी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ठीक है, तो रिड्यूस बोल रहा है कि कितने पे हो जाएगी 49 पे, तो मतलब वी हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए 49 आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो देखते हैं ये चेक करना है वी इक्वल टू, तो वी निकालेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस 80 से करेंगे, तो लेकिन ऊपर जा रहा है तो माइनस जी टी, ठीक है, यू हमारे पास कितना है 98 माइनस जी 9.8 इंटू 5, तो आफ्टर सॉल्व दिस हमारे पास कितना आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें निकालना था, जो कि प्रूव हो चुका है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड इनिशियल वेलोसिटी यू इन फर्स्ट टी सेकेंड इज, तो इसे सीधे सीधे नहीं कर देंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है टी, ठीक है, और एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम
उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, वी होगी ठीक है, यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो हमारे पास दो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी और आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी ठीक है। और पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू प्लस वी अपॉन टू होगा ठीक है। यू हमारे पास यू के टर्म में ही निकालनी सारी चीजें, तो वी को भी हम यू के टर्म में लिखेंगे, यू के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यू प्लस एटी हो जाएगा अपॉन टू, तो टू यू प्लस एटी अपॉन टू ठीक है, तो टू यू अपॉन टू प्लस एटी अपॉन टू, तो दिस विल बी यू प्लस हाफ एटी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ओके गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि रेंज, रेंज क्या होनी चाहिए, सेम किस किस एंगल पे जो रेंज है वो हमें सेम मिलेगी। तो थीटा बोला गया है, और थीटा कब, आर भी सेम होना चाहिए। तो आर का हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी ठीक है। तो सीधे सीधे हमें साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा की वैल्यूज हमें सेम देखनी है इन एंगल्स पे। तो किस किस एंगल पे होगी, साइन टू इंटू 30 डिग्री कर दें तो कितना आ जाएगा, साइन 60 ठीक है, और साइन थीटा की जगह हम 60 ला दें तो कितना हो जाएगा, साइन 120। साइन 120 और 60 की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, क्या होती है, रूट 3/2 होती है ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर पार्टिकल इन लीनियर मोशन इज गिवन बाय रिलेशन एक्स इक्वल टू 5t प्लस 5t स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है इसने ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी, लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या है, पार्टिकल की पोजिशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को वेलोसिटी में चेंज करने के लिए वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ठीक है, तो कर दो डिफ्रेंशिएट, 5 हो जाएगा प्लस 10t ठीक है। लेकिन t इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया ना, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर इनिशियल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 इंटू 0, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 5 ठीक है। अब यूनिट मतलब कि वही है, मीटर में होगा x, तो मीटर पर सेकंड ठीक है, तो v इज 5 हेयर ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ओके थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स लेते आता रहूंगा, तब तक के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो, थैंक यू।